अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरांवाला। तो आइए आज मैं आपको कच्चे आमों की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप कच्चे आम मैंने लिए हैं, ये देखिए इस तरह से हम उनको छील लेंगे। तो आइए मैं आपको चीज़ें भी बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है। कच्चे आम चाहिए होंगे हमें, ये आधा किलो मैंने लिए हैं। चीनी चाहिए होगी, एक प्याली चीनी है। ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और एंड पे हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। और गार्निशिंग के लिए मैंने ये चार मग्स रखे हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कच्चे आमों को छील लेते हैं। कच्चे आमों को मैंने छील लिया है और अब इसके क्यूब्स बनाएंगे इस तरह से। ये स्लाइस पहले कर लेंगे हम, उसके बाद इसके क्यूब्स बना लेंगे। से आमों के कच्चे आमों के क्यूब्स मैंने काट लिए हैं। अब आइए इनकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ये एक देगची ली है, इसके अंदर एक कप पानी मैं डालूंगी। बहुत ज़्यादा पानी आप ऐड नहीं करेंगे। आधा किलो मैंगो है मेरे पास कच्चे, और एक कप मैंने अंदर पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर नीचे चूल्हा चलाएंगे और इसको पकाएंगे। मैंगो के स्लाइस, मैंगो के क्यूब्स मैंने एक देगची में डाल दिए, पानी अंदर डाल दिए और मीडियम फ्लेम पे इनको हम पकाएंगे। ये ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट हम इनको पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए इनको चेक करते हैं। ये देखें कच्चे आम नरम हो चुके हैं हमारे। अब इसके अंदर इस वक्त चीनी ऐड करेंगे। आधा किलो मैंगो है मेरे पास और ये एक प्याली चीनी अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। इसको अब हम हलाते जाएंगे, 10 मिनट तक इसको पकने देंगे और साथ साथ हम इसको हलाते रहेंगे इस तरह से। आइए अब चटनी को चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी हमारे ये कच्चे मैंगो जो हैं वो अंदर मेल्ट हो चुके हैं, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। और अब इसके अंदर सुरख मिर्च है आधा चम्मच, ये अंदर ऐड करेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा है, ये अंदर ऐड करेंगे। और आधा चम्मच ही नमक है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, इससे चटनी का अपना जो जायका होता है, मैंगो का जो अपना जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस ये इतने ही मसाले अब इस वक्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही मैं ये अंदर डाल रही हूँ सिरका, ये 2 चम्मच है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप चटनी बनाने के बाद इसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद आप इसको 8 से 10 दिन तक इसको आप फ्रिज में रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। चटनी तकरीबन हमारी तैयार हो चली है। अब ये मैशर है मेरे पास, ये इसके साथ हम इसको हल्का हल्का इस तरह से मैश कर लेंगे। मैंगो की मज़ेदार चटनी तैयार है। तो आइए अब इस टाइम हम चूल्हे को बंद करते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ये मज़े की बनती है, विटामिन सी से भरपूर है कच्चे आम, विटामिन सी का ये भरपूर ख़जाना है ये चटनी। आप इसको गर्मियों में ज़रूर बनाया करें। ये अब हम चटनी को एक बाउल में निकालते हैं। बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत लजीज, बहुत खट्टी मीठी चटनी ये बनी है। हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती है, आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़े मज़े की
कच्चे आमों की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। इसके साथ ही अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।